साथियों नमस्कार। अब होगी हर बात समाधान इंडिया सच के साथ। साथियों बता दें कि समाधान इंडिया कार्यक्रम लेके जो आया हुआ है विकास की बात मुखिया जी के साथ, उस कार्यक्रम को लेके आज हम खरेड़ी पंचायत में उपस्थित हैं और हमारे पास यहाँ के मुखिया रेणु देवी उपस्थित हैं। और आइए हमसे जानना चाहेंगे इन्होंने अपने बीते 4 साल में किस तरह से काम किए हुए हैं। पहले आप यहाँ पर आएंगे थोड़ा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है समाधान इंडिया में। मेरा नाम रेणु देवी, खरेड़ी पंचायत की मुखिया। ठीक है, आप सबसे पहले आप जनता को ये जानकारी देना चाहेंगे कि अपने ये बीते 4 साल में आपने किस प्रकार से काम किए हैं यहाँ पे अपने पंचायत में, क्या काम किए हैं कुछ बता सकते हैं जी? बताइए। 635 शौचालय बनाए हैं और 65 पीएम आवास, 15 कुआं और 35 डोभा, 30 नाली, 10 गोसेट और 200 विधवा और 200 विधवा एवं वृद्धा पेंशन, 12 चपाकल, पेयजल मीनार और ब्लॉक रोड का निर्माण करवा रहे हैं और प्लाइट और जल मीनार और सभी काम अभी इंटरनेट के लिए भी रुके हुए हैं और बहुत सारे काम अभी होगा। अभी आप थोड़ा बहुत जानकारी जनता को याद देना चाहेंगे आप कि यहाँ पे हर एक पंचायत में यदि बिरनी प्रखंड के अलावा दूसरे प्रखंड में देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट का सुविधा दी गई है और आपके बिरनी प्रखंड में स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है और आपके पूरे बिरनी प्रखंड में नहीं है, तो इसके लिए आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या आप कुछ राय देना चाहेंगे? क्या बोले, स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था बिरनी प्रखंड के अलावे कोई और अन्य ब्लॉक का देखा जाए तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा की दी गई हुई है और हमारे बिरनी प्रखंड में अभी तक नहीं है, तो इसके लिए आप जनता को क्या कुछ राय देना चाहेंगे? आप ब्लॉक जाते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ आश्वासन आपको भी मिलता होगा, उसके बारे में जनता को क्या राय देना चाहेंगे? अभी यहाँ स्वीकृति नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कराए यहाँ। आप यह बता सकते हैं कि आपने जो अपने पंचायत में बिरनी प्रखंड में, पूरे बिरनी प्रखंड और आपके खेरड़ी पंचायत में ये खुले में शौच मुक्त का जो बोर्ड लगाया गया है, ये वाकई में आपने जो 635 आपने शौचालय बनवाए हैं आपने, वो 635 के आपके उपयोग में है? ये वाकई में खुले में शौच मुक्त का जो बोर्ड लगाया है वो खुले में शौच मुक्त है? आपको कैसा है? नहीं, कोई नहीं बाहर जाता। अच्छा, तो उसके लिए आपने जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं हुए जो नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या पहल किया था जनता के पास, किस तरह से आपने उसके पैसे किए थे, क्या सिखाए थे? वो लोग को सिखाया जो बाहर कभी शौचालय करने नहीं जाना है। अच्छा, शौचालय बन गया है यही जाना है। और आपके पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एकदम अति आवश्यक है पीएम आवास योजना का और उसका नहीं हो पाया है और किन्हीं और लोगों का हो गया हो और जिनको एकदम पूरा अति आवश्यक है, तो उसके लिए आपने क्या पहल किए हैं जिनको पूरा आवश्यक है पीएम आवास योजना का? जो लेने लायक था उसी को दिए हम लोग, जो लेने लायक नहीं है। आपके पंचायत में और अभी कुछ ऐसा लोग हैं जिनको पीएम आवास योजना का जरूरत पड़ी आपकी नजर में, कोई है? नहीं तो उतना नहीं देखे, देखेंगे तो बताएंगे। अच्छा ठीक है। और ये थे हमारे खरेड़ी पंचायत से मुखिया जो की अभी वर्तमान में भी मुखिया हैं और इसके पूर्व भी मुखिया थे, ये लगातार 2 बार ये जीत चुके हुए हैं और इसी तरह से समाधान इंडिया आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहे समाधान इंडिया में। अमित कुमार, कैमरामैन नीतीश राज के साथ।